नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बिहार चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, कैंसर रोग का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, आपको यहाँ पर आंसर है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो क्या है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों, दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं। तो किस पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों, डेंटाइन। ठीक है दोस्तों, डेंटाइन का बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस जंतु की आकृति चप्पल की समान है, तो पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, केचुए की आंखें होती है, कैसा होती है दोस्तों, एक भी नहीं होती। केचुए की आंखें कितनी होती है, एक भी आंख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 6 नंबर क्वेश्चन जो है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है, किस विटामिन का है दोस्तों, तो विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मानव का मस्तिष्क का लगभग भार है तो कितना होता है, 1350 ग्राम होता है मानव का मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है दोस्तों, रक्त में लोहा पाया जाता है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शरीर में नए उत्तकों का की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा पनीर। ठीक है, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देख रहा होगा दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, कौन है, यकृत। कौन है दोस्तों, इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो किस हार्मोन का होता है दोस्तों, तो रिलैक्सिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो कहाँ नियंत्रित होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कुटपात के द्वारा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है आपका लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, तो यहाँ पर और लिखा है दोस्तों, ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है क्या है दोस्तों, वह जो आपका कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पार किसके उपयोग करती है, तो किसका उपयोग करता है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका, ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 20 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर किस अभिक्रिया द्वारा पौधा में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है, तो विसरण के द्वारा दोस्तों, इसका आंसर क्या है, विसरण के द्वारा पहुँचता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति दोस्तों, इसका आंसर है परिणति क्या होती है, तो विघटन। ठीक है दोस्तों, विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति
जो होता है विघटन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, खाद्य पदार्थों का पौधा में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो कौन सा है, सुक्रोज। इसका आंसर क्या है दोस्तों, सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों, 120 बाय 180, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है क्या है दोस्तों, ड्यूरामीटर। क्या है दोस्तों, ड्यूरामीटर है मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता का नियंत्रित करता है, कौन करता है दोस्तों, घ्राणेन्द्रियपाली करते हैं, नहीं दोस्तों, घ्राणेन्द्रियपाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसमें, इंसुलिन के कारण, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है इंसुलिन के कारण जो है ग्लूकोज में रक्त की मात्रा नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, ऑक्सीजन है क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, छाया में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधे क्या होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधे क्या होते हैं दोस्तों, तो सियोकाइटस, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा सियोकाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो क्या है दोस्तों, फेफड़ा जो है आपका मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन, ठीक है दोस्तों, हाइपरटेंशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो क्या है दोस्तों, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो है, इसका क्वेश्चन है दोस्तों, पौधा में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाष्प उत्सर्जन द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में गैसों का आदान प्रदान जो है रहते हैं, आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो इसका आंसर है रंध्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, ठीक है दोस्तों, फेफड़ा का आकार जो है शंक्वाकार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या है दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया है जन का पाचन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया है, तो किसने किया है दोस्तों, इसका आंसर है वेलिस एवं स्टार लिंग, ठीक है दोस्तों, वेली से एवं स्टारलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 40 नंबर क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया है, किसने दिया है दोस्तों, तो पृथक्करण का नियम जो है किसने दिया है, मेंडल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो किसने किया है दोस्तों, इसका आंसर जो आपका स्क्रीन पर है, लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने दिया है, ठीक है दोस्तों, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाते हैं अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक के नाम से जाने जाते हैं क्या है दोस्तों, इसका आंसर जो है, तो इसका आंसर है दोस्तों थियोफ्रास्ट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान का किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी, ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी जो आ जाता है जीव विज्ञान के जो है पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान किसके शाखा के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है दोस्तों, झाड़ियों के अध्ययन से है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है दोस्तों, साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, ठीक है दोस्तों, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। तो ये था आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही पॉपुलर होगा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, खुश।